आज हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैक एंड स्टैक से बनने वाले क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम पेरेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हमने सात, मैं आपको सात पेरेंट क्वेश्चन कराऊंगा। सात पेरेंट क्वेश्चन आपने अगर देख लिए तो उस सात पेरेंट क्वेश्चन के बेसिस पे 70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली होता कुछ नहीं है कि क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, स्लाइटली डिफरेंस कर दिया और वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। जैसे कि आप लीट कोड गीक वगीक्स पे देखोगे तो एक क्वेश्चंस के वो जो कि एक तरह से ही सॉल्व होने वाले हैं, वो सारे एक ही तरह से दिखाए गए हैं। तो इनको क्या करोगे आप कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। दूसरा, ये क्वेश्चन अगर सपोज हमको कोई एरे दे रखा है तो ये क्वेश्चन एरे का है तो ये स्टैक से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखेंगे। तीसरा, फाइंडिंग कैसे होगा कि इसमें स्टैक लगेगा कि नहीं लगेगा। सो हम आज तीन चीज़ देखने वाले हैं, स्टैक, स्टैक का इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग। ठीक है। कई लोग होते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिला जिससे मुझे ये पता चल जाए कि अगर ये मैं ये मेरा एक क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन इसी का एक टाइप है। तो ये टाइप पता करने के लिए मैंने कुछ एक नोट्स बनाए और उस नोट्स के बेसिस पे मुझे ये पता चला कि यार ये क्वेश्चन जो था, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था यार, ये तो इससे सॉल्व हो सकता था। यानी कि जो कंसेप्ट मैंने इसमें यूज किया था वो सेम कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करके इस वाले प्रॉब्लम को जो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, जो मैं देख चुका हूँ, उस प्रॉब्लम को यानी कि सेकंड प्रॉब्लम को मैं इस वाले कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकता हूँ। यानी कि आप अगर एक कंसेप्ट सीखते हो, एक कंसेप्ट आपने सीखा और एक कंसेप्ट से अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है, वही करते हैं आज। जैसे कि मैं कुछ जैसे पेरेंट क्वेश्चन मेरे, मैं आपको सात पेरेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि इससे बड़े फेमस क्वेश्चन है जैसे स्टॉक स्टॉक स्पेन करके जो प्रॉब्लम होती है, बहुत इंटरव्यू में पूछी जाती है, इवन अमेजन गूगल सब में पूछी जाती है स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम। सेकंड, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, नियरेस्ट लार्जेस्ट नंबर, तो ये भी सारी प्रॉब्लम हम आज वन टू वन देखने वाले हैं। अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। सपोज दैट आपने एक एरे देखा, आपने एरे देखा और एरे कुछ ऐसा है 1 2 3 और 4, और आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टैक से सॉल्व होगा या हीप से सॉल्व होगा या डीपी से सॉल्व होगा। पहले अभी मैं स्टैक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद शायद मे बी डीपी पे जाएंगे और फिर हीप पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, अभी हम हीप की और डीप की बात नहीं, डीपी की बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ स्टैक की बात करते हैं। तो स्टैक की बात करें तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई आपको एक क्वेश्चन आता है एक्स वाई जेड, कोई भी क्वेश्चन आया, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रूट फोर्स कोड लिखना है। ब्रूट फोर्स तो आप ओबियसली हर कोई लिख लेगा। मतलब अगर छोटा सा भी बच्चा होगा जो कि सी एस आई टी का भी नहीं होगा, जिसने कोड भी नहीं करा होगा, वो ओ ऑफ एन एफ स्क्वायर में ब्रूट फोर्स से कोड लिख लेगा। ब्रूट फोर्स में आपको ये देखना है कि देखो ब्रूट फोर्स लिखा कैसे जाता है, मैं पहले एक बार, बहुत बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ब्रूट फोर्स लिखा कैसे जाता है। सपोज दैट आपने कोई लूप चलाया, इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, दूसरा लूप पर चलाया, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक आई है, आई की वैल्यू सपोज दैट 0 है यहाँ पे, और कहाँ तक चल रहा है वो, एन तक चल रहा है। आई जो जा रहा है वो एक्स एन तक जा रहा है, यानी कि आई की मैक्सिमम वैल्यू एन होगी और आई की लेसर वैल्यू यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा। एंड सेम जे जो लिखा जा रहा है, जे
की वैल्यू है जीरो और जे कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। सो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो जे है वो डिपेंडेंट नहीं कर रहा, क्योंकि जे की वैल्यू इंडिविजुअल है अपनी एक खुद की वैल्यू पे, यानी कि जे जब वर्ड आए तो वो आई पे कोई फर्क नहीं डाल रहा, यानी कि आई की वैल्यू अगर कोई चल रही है तो वो जे पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। सो अब इम्पैक्ट कैसे डालेगा, इम्पैक्ट का देख लेते हैं। इम्पैक्ट का कैसे देखेंगे कि सपोज अगर आपने कोड लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, दूसरा लिखा इंट जे इक्वल टू जीरो जे लेसर देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, इससे क्या पता चला कि यानी कि जो आई की, यानी कि ये आपको पता चल गया कि जे की वैल्यू आई पर डिपेंड करनी है। तो आपको समझ जाना है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टक इसमें लगने वाला है। अब कैसे लगेगा वो आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी फाइंडिंग क्या होगी कि सबसे मेन फाइंडिंग हुई, अब कोई भी क्वेश्चन अगर स्टैक का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है तो सबसे पहले उसमें फाइंडिंग हो गई कि अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टैक से सॉल्व होने वाला है तो सबसे पहले तो एरे गिवन होगा, उसमें कोई भी हमें एरे दिया होगा जिसमें हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरा जो मैंने अभी समझाया था कि जे की वैल्यू ऑलवेज, कई केस में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, बट ऑलवेज ज़्यादातर केसों में जे की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट करेगी आई पे, यानी कि जे ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आई, ठीक है। सो ये अगर दो चीज़ें आपने पता कर ली तो आप फटाक से क्या करोगे, स्टक लगा दोगे कि यार ये स्टक लगेगा और स्टक से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। अच्छा तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन कि अगर कोई हमें प्रॉब्लम दे रखा है और प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को ये कैसे पता करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी स्टैक से सॉल्व होगी, हीप से सॉल्व होगी, या डीपी से सॉल्व होगी, या बैड ट्रैकिंग से सॉल्व होगी, जो भी है। बेसिकली जो बैड ट्रैकिंग है वो भी हम स्टैक से सॉल्व करते हैं, तो मतलब आप एक टाइप मान सकते हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर कहीं भी आपको बैक ट्रैकिंग करनी है तो ऑलवेज आप स्टैक से ही करोगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात आती है स्टैक होता क्या है, थोड़ा सा पता कर लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके टाइप। स्टैक होता है, ये सपोज दैट एक स्टैक है, स्टैक का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब अगर मेरा कोई भी एलिमेंट है, यानी कि 3 2 4 1, ठीक है, तो अगर मैंने 3 इसमें पहले डाला, इसके बाद 2 डाला, इसके बाद 4 डाला, इसके बाद 1 डाला, तो जब मैं पॉप करूँगा तो कौन सा पहले निकलेगा, जो मैंने लास्ट डाला है, जो मैंने लास्ट डाला है वो मेरे सबसे पहले पॉप होगा, ठीक है। और जो अगर मैंने फर्स्ट डाला है सो वो मेरा लास्ट होगा। सो सबसे मेन पॉइंट अब मैं बताता हूँ कि आपको करना कैसे है, कि कल को कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आने वाला है, कि अगर जनरली बच्चे गलती जो करते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी उन्हें पता तो चल जाता है कि ये क्वेश्चन स्टैक से सॉल्व होगा, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि पहले एलिमेंट किसको डालें और किधर से बैक ट्रैकिंग करें, यानी कि ट्रैकिंग जो एरे की ट्रैकिंग करें, जो हम फॉर लूप चलाते हैं इंट आई इक्वल टू जीरो
आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। सो उन्हें ये नहीं पता होता, या फिर फॉर लूप हम चलाते हैं इंट आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस। यानी कि या तो लूप हम ऐसे चला रहे हैं या लूप हम ऐसे चला रहे हैं, यानी कि एन से स्टार्ट होकर जीरो तक जा रहा है या जीरो के स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है। तो यानी कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि जनरली कि हमें जो लूप चलाना है स्टैक वाले केस में इधर से चलाना है या इधर से चलाना है। सो ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन की पे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है? सपोज दैट आपको ये एलिमेंट चाहिए, ठीक है, और ये आपको मैच कराना है इस वाले एलिमेंट से। सो ऑब्वियसली आप इसे पहले तो डालोगे नहीं। लेट्स से मेरा क्वेश्चन है ऐसे 3 2 1 5। अब आपको क्या कराना है कि ये क्वेश्चन जो कराना है वो नियरेस्ट यानी कि आगे वाले राइट एरे से कराना है, नो कि लेफ्ट एरे से। लेफ्ट से नहीं कराना है, आपको राइट से कराना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको ये वाला यानी कि आपको एन से चलना पड़ेगा, एन माइनस वन से, और जीरो की साइड जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, आपने 5 डाला, ठीक है, आप ऐसे देखना चाह रहे हो कि यानी कि दो जो ये जो 2 है वो 1 से छोटा है या बड़ा है। यानी कि आप चेक तो ऐसे कर रहे हो एरे को, बट एलिमेंट आपको ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है, या आप 1 को कर रहे हो कि 5 से बड़ा है कि नहीं है। तो स्टैक का प्रॉब्लम होगा तो कैसे पता करोगे? 5 आपका स्टैक में होना चाहिए तभी तो आप पता करोगे। जैसे कि अगर 1 5 से बड़ा है, हाँ आप एलिमेंट निकालोगे, या बड़ा है ठीक है, नहीं तो पॉप कर दोगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 है, आपने डाला 1 और 2। अब आप एलिमेंट आए इसको 2 को चेक करा रहे हो, 2 1 से बड़ा है, हाँ है, या 2 1 से बड़ा है, या 1 इससे छोटा है, तो क्या करोगे इस केस में? पॉप करा दोगे। बट 2 5 से नहीं, यानी कि 5 बड़ा है, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपका किसी भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब बात करते हैं जो मैं स्टैक के क्वेश्चंस बता रहा था आपको, कि मेरे पास कुछ स्टैक के क्वेश्चन हैं जो कि पेरेंट क्वेश्चन है। तो पेरेंट क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको ना 7 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि पेरेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑलवेज आप स्टैक से सॉल्व करोगे। एक है नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, ठीक है। ये होता है, ये तो हो गए 4 क्वेश्चन कुछ सेम टाइप के। एक होता है स्टॉक स्पिन प्रॉब्लम, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और जनरली फ्लिपकार्ट अमेजोन और एडोब कई सारी कंपनियों में कई बार पूछा गया है। 6 है मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, 7 है मैक्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन बाइनरी मैट्रिक्स। तो ये मैंने कुछ सेट बना रखा है 7 क्वेश्चन का। सो अगर आप गीक फॉर गीक्स पे या लीट कोड पे देखोगे तो इससे रिलेटेड ये जो पेरेंट क्वेश्चन है इसकी हेल्प से आप 70 to 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये 7 क्वेश्चन अगर कर लिए तो आप एलिजिबल हो गए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इंटरव्यूअर अगर आपकी थोड़ा सा भी अगर चेंज करेगा तो उसके बेसिस पे आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। जनरली आपने देखा होगा ये गीक फॉर गीक्स वगैरह पे फेमस है,
नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, जस्ट एलिमेंट, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। सो देखा जाएगा कि जो नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, और कह सकते हो आपकी नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, ठीक है। सो ये मेरे पास आप 7 क्वेश्चन है, तो इसको अगली वीडियो में हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, नियरेस्ट स्मॉल टू स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे से देखना जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, तो जब बहुत अच्छे से देखना है, कई बार कई इंटरव्यूज़ में इवन मैं भी जब आईटीज की जो ड्राइव होती है अपने ऑफिस से, तो मैं इसको ज़रूर पूछता हूँ, और जनरली 70-80% लोग कर ही नहीं पाते इसे। मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो क्वेश्चन है नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, कई बार कई इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछे गए हैं, और इन पे करीब करीब 100 वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।